अंधेरीपुर के मालपा डोंगरी स्थित बपिस्तावाड़ी के श्री दत्ता जगदम्बा मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अखंड भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलने वाले इस अखंड भजन कीर्तन कार्यक्रम में महाप्रसाद व भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने देवी माँ जगदम्बा के आशीर्वाद के साथ साथ महाप्रसाद का भी लाभ लिया। बता दें कि श्री दत्ता जगदम्बा मंदिर की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। इस वर्ष मंदिर स्थापना का 65वां वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मंदिर की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर के ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ समाज की कई जानी मानी राजनीतिक व सामाजिक हस्तियां भी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेने पहुंची। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस जमीन पर इस जगह पर जैसे भगवान की साक्षात ताकत हो। मैं पिछली बार जब यहाँ पर आया था, मेरे को एक मंदिर के अंदर जाने के बाद जगदम्बा मंदिर में गया, मुझे लगा कि वाकई में यहाँ पर शक्ति बैठी है। और फिर यहाँ के जो लोग बाग रहवासी है, आप सब एकदम इतना मेहनत से काम करते हैं और ऐसा लगता है कि मुंबई के अंदर एक रियली छोटा सा गांव है और ये भगवान का जो मंदिर है ये यहाँ पर बहुत शक्ति पावरफुल है। आप सभी लोगों ने बढ़ के एक कार्यक्रम लिया, 7 दिन का सप्ताह, भजन का सप्ताह, ये मेरा भाग्य है कि मैं यहाँ पर आके इनकी सेवा कर पाऊँ। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक और ट्रस्ट के अध्यक्ष दयानंद अंचन का कहना था कि नए वर्ष में लोगों के जीवन की शुरुआत नए उमंग के साथ हो, माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये जो प्रोग्राम है, हम लोगों ने काफी दिन पहले यहाँ पे सोचे थे कि यहाँ के हरिनाम संकीर्तन के सप्त जो है वो हमें करना है, तो हमने डिसाइड किया, हमारे कमेटी के लोगों ने सब यहाँ पे ये 26 को हम 25 को शुरू करेंगे। शुरू कर नई साल की नई शुरुआत, नई साल की नई शुरुआत के साथ, नई उमंग के साथ, सब भक्त जनों के साथ हम अगले साल खुशी खुशी मनाना चाहते हैं। इसके साथ मनोज जी जैसे हमारे साथ मिले हैं, यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसमें काफी लोग हमसे मिले हैं जिनके सहायत से हम ये सब काम कर रहे हैं, आज हम सक्सेस है, इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। स्थानीय लोगों ने भी इस भजन कीर्तन कार्यक्रम को लेकर अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि हरि का नाम लेने से सभी समस्याओं का समाधान होता है। एक हमारा मंदिर का 65th ईयर है, 65 साल का एनिवर्सरी है और हमने सुना है ऐसा कि कलयुग में हरि भजन से बड़ा कोई चीज नहीं है, इसके लिए अखंड भजन हम लोग रखा है क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी के लिए रखा है, सबका मन शांत हो जाएगा ये भजन की वजह से, हमारा एरिया का उद्धार भी हो जाए, इस संकल्प से रखा है हमने। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज़, मुंबई।